फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर अगर ये क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, ये क्यू और माइनस क्यू जो चार्जेस है ना, वो इनके अंदर की तरफ हैं, क्यू और माइनस क्यू अंदर की तरफ है। तो लेट अस सपोज ये क्यू चार्ज है और ये प्लेट मैं फिक्स पकड़ के रख लेता हूँ, और ये मान लो मूवेबल प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट, खींचेगी, किसी फोर्स से खींचेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि ये चार्ज q इसके ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड थिन प्लेट का हमने गॉस थ्योरम से किया हुआ है फॉर्मूला, वो क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, क्यू इंटू ई, तो माइनस क्यू इंटू कितना, ई, तो ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, चार्ज बाय एरिया, यहां पर वैल्यू पुट करके क्या आ गई, फोर्स। तो फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्लियर है। अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि ये प्लेट भी तो इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, कितनी फोर्स से करेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से करेगी, सेम फोर्स। तो हम एट अ टाइम एक ही प्लेट ले रहे हैं, दूसरी प्लेट के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम फोर्स ही आएगी, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि इस प्लेट ने इसके ऊपर ई लगाया, ये जो ई है वो किस प्लेट का है, फर्स्ट प्लेट है, सेकंड के ऊपर ई लगाया तो ये अट्रैक्ट होती है, समझ में आती है बात? तो क्या सेकंड प्लेट ने अपने ऊपर ई नहीं लगाया? जो सेकंड प्लेट है वो अपने ऊपर ई कभी लगाती नहीं है, वो आसपास तो लगाती है, कोई भी चार्ज भी अपने ऊपर ई कभी नहीं लगाता, वो आसपास लगाता है लेकिन अपने ऊपर कभी नहीं लगाता। तो ये प्लेट इस पे ई लगाएगी, ये प्लेट इस पे ई लगाएगी, तो क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आप प्लीज अपनी फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर इसे नोट करें, एक्सप्रेशन फॉर ऑन प्लेट ऑफ फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इसे नोट करें प्लीज।